अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मुफक्किर आफाक क्लाशारी एंड यू आर वाचिंग इल्मे सादिक अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है जो कि स्कॉलरशिप के बेसिस पे रखी गई है। तो मैं आप लोगों को समझाता चलूँ, और उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, चैनल बिल्कुल फ्री है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके आल कर दें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है इस चैनल की जो अपडेट है वो बआसानी आप लोग ले सकें। हैदराबाद कासमाबाद में जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं, जिनके रिलेटिव रहते हैं, उनके लिए एक स्कॉलरशिप के बेसिस पे एक एकेडमी ओपन हुई है, जिसका आगाज़ जो है वो 7 मार्च से होगा। सो उसकी टेस्ट स्कॉलरशिप के बेसिस पे रखी गई है, जिसका नाम जो है नेशनल कोचिंग एकेडमी गुलिस्तान सजाद में कासमाबाद हैदराबाद। तो उसमें आप लोग संडे को 6 तारीख को टेस्ट है। जो भी विनर होगा, जो भी टेस्ट में अच्छी मार्क्स लेगा, उसको 30-50% डिस्काउंट, और उसके बाद जो टॉप 3 होंगे उनको बिल्कुल फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। सो आप ये चीज़ जो है वो मिस ना करें, और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उसमें क्रैश कोर्सेज हैं, उसके बाद ईकेट, एमकेट, लेट और सीआईटी वगैरह जो भी क्रैश कोर्सेज हैं उसमें भी, और एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी है, वो भी इसमें इंक्लूड की गई है। सो ये इस चीज़ को, इस बात को आप कभी भी इग्नोर मत करें। देखें, आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं, टेस्ट देना चाहते हैं स्कॉलरशिप के बेसिस पे, तो नेशनल एकेडमी गुलिस्तान सजाद में कासमाबाद में ये वाकया है, और वहाँ पे आप लोग जो है स्कॉलरशिप के बेसिस पे टेस्ट दे सकते हैं। संडे को उसकी टेस्ट, डैट मीन्स कल उनकी टेस्ट है। सो जितने भी कैंडिडेट्स आपके रिलेटिव्स हैं, सो यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद इसमें यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी प्रिपरेशन, उसके पास पेपर्स, उसकी जो टेस्ट पैटर्न है वो भी करवाया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप लोग हमारे रेफरेंस से आते हैं, या फिर हमारे जो रेफरेंस है इस चैनल का या हमारे नाम का, तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद इसमें जो प्रिपरेशन है क्रैश कोर्स के हवाले से, एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल रही है, ट्यूशन का जो सेक्शन है वो भी 1-8 रखा गया है। क्रैश कोर्सेज के हवाले से अकेडमी कोचिंग जो सिस्टम है वो भी 6 मंथ ड्यूरेशन जो है वो 4 मंथ ड्यूरेशन रखी गई है। यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, एमकेट ईकेट के भी जो प्रिपरेशन है उनकी भी ये चीज़ जो है इंक्लूड की गई है। सो उसमें और एक बात है कि जो सीआईटी करना चाहता है कैंडिडेट्स, तो वो भी इसमें हिस्सा ले सकता है, वो भी इसमें चीज़ जो है वो इंक्लूड की गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। आई होप के जो हमारा रेफरेंस से जाएगा इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं फिर भी जो है वो लास्ट में, या फिर कमेंट बॉक्स में, या फिर जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे एक लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे पूरी एडवर्टाइज जो है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं लेफ़्ट या राइट साइड जो है वो मैं आप लोगों को ये दिखा दूँगा कि भाई उसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं, मेन फीचर्स जो है उसमें कौन से हैं, और ये कहाँ वाक़िया है, गुलिस्तान सजाद में, कासमाबाद, हैदराबाद में। तो आप लोग वहाँ पर बिल्कुल आसानी से जो भी उनके लोकेशन में, लोकलिटीज़ में आते हैं कैंडिडेट्स, वो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ले सकते हैं। और स्कॉलरशिप पे जो टेस्ट है वो रखी गई है, ताकि आप लोग भी जो विनर हैं, जो एजुकेटेड कैंडिडेट्स हैं, जो होशियार हैं, इंटेलिजेंट्स हैं, वो बिल्कुल फ्री में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह कि आज से फिर से हम बातों को और अपडेट्स को कंटिन्यू रखते हैं।